मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। गाइस वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा, गुड इवनिंग। और अभी शाम के 8:30 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहनी है ऑरेंज कलर की सिल्क की साड़ी, ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की, और मैं जा रही हूँ शादी में। जो मैंने कहा था कि 4-5 दिनों से मैं जा रही थी, रस्में हो रही थी वहाँ पे मेरे मोहल्ले में, तो उसकी फाइनली आज शादी है। और आज 8 मार्च और वुमेंस डे है आज, तो आप सबको हैप्पी वुमेंस डे। और मैं जा रही हूँ शादी में क्योंकि 8:30 हो चुके हैं और जो शादी का वेन्यू है वो कुछ दूर पे है, वहाँ पे जयमाला होगी, फिर वो लोग वापस आ जाएंगे यहाँ मोहल्ले में और यहीं पे शादी होगी, लड़की की विदाई होगी। तो पता नहीं शादी और विदाई में मैं जा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि कल रोहित का स्कूल है तो इसलिए पता नहीं। लेकिन अभी जयमाला तक मैं रुकूंगी वहाँ पे, और जहाँ पे रखा गया है शादी वो एक्चुअली एक होटल है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं शादी में। और भी मोहल्ले के कुछ लोग निकल गए हैं और कुछ लोग जा रहे हैं अभी, तो हम लोग निकलते हैं। और सब कोई किशन और दोनों बच्चे तैयार होकर निकल चुके हैं, तो मैं भी निकलती हूँ और आपको भी दिखाऊंगी वहाँ पे जो जो होगा, किस तरह से डेकोरेशन है सब कुछ। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर हो रही है तिलक की रस्म। कुछ लोगों में ये रस्म पहले होती है बट इस शादी में आज ही हो रही है, आज शादी के दिन है। और ये है होटल, होटल में ही अलग से एक जगह ये रस्म किया जा रहा है। तो ब्लू कुर्ती में जो है लड़की का भाई, वो सारे रस्म कर रहा है तिलक का। और हम पहुंच चुके हैं होटल के अंदर और जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं सबसे मिल रहे हैं हम लोग। और जयमाला में अभी टाइम है तो हम लोगों ने स्टार्टर खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि फिर खाने पीने में फिर टाइम हो जाएगा, फिर जयमाला होगी, तो सारी फ्रेंड लोग जो है खाना स्टार्ट कर दिए, तो हम लोगों ने भी खाना स्टार्ट कर दिया। हम लोग अभी स्टार्टर खा रहे हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर। और हमारी खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद दुल्हन आ गई जयमाला के लिए और अभी होगी जयमाला की रस्म। Thank you.
और जयमाला की रस्म हो गई और काफ़ी देर हम लोग बैठे थे। उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं डेज़र्ट खाने के लिए, क्योंकि इस साइड में डेज़र्ट लगा हुआ है, आइसक्रीम है, बहुत तरह के स्वीट्स हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले पानी पियेंगे और मैं जा रही हूँ पानी पीने क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लगी है उसके बाद खाऊंगी डेज़र्ट। और रोहित अभी हमारे पास आया है क्योंकि उसने खाना वाना सब अपने फ्रेंड लोग के साथ खाया और अभी वो आया है हम लोगों के पास। और यहाँ पर हम सारी मोहल्ले की लेडीज़ हैं जो कि हमारे मोहल्ले की हैं सारी। और थोड़ी देर के बाद हम लोग निकल गए होटल से क्योंकि 11 बज चुके थे और सुबह में किशन का ड्यूटी है, रोहित का स्कूल है, तो हम लोग इससे ज़्यादा रात नहीं रुकने वाले थे, तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं होटल से बाहर। और आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत यहाँ पे एक स्टैचू था गणेश जी का, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि बहुत सुंदर लगा मुझे। और ये है होटल के बाहर का गेट का डेकोरेशन और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे क्योंकि सारी डेकोरेशन जो है फ्लावर से थी,
और लाइट से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मुझे फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं, तो फ्लावर की डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी। और ये है दूल्हे की कार जो कि रोज से सजी हुई थी, रेड रोज से, तो अच्छी लग रही थी। और हम लोग निकल रहे हैं होटल के बाहर, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, ठंडी हवा, तो अच्छा लग रहा था बाहर भी। और जस्ट हम लोग अब निकल रहे हैं। तो इस तरह से था मेरा आज का पूरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा इस शादी के ब्लॉग को देखकर। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में सब में शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।